हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भीमला नायक की, कि आप फिल्म कब तक थिएटर्स पे रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी, और इसकी ओटीटी राइट्स बेची गई है, कितनी में बेची गई है, और कब तक ये हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेगी, और जो इसकी रीमेक है ना, वो बनने को सुनने में आ रही कि बॉलीवुड में उसकी राइट्स बिक चुकी है, तो कब तक इसकी जो हो मतलब कि सॉरी ये इसमें कौन स्टारर होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में हम टोटल बात करने वाले हैं जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और बन रहेगा मेरे चैनल पर दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे तो प्रेस कर ही दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करूंगा। तो इस फिल्म को ना मैं वेट कर रहा था इतने दिनों से कि हिंदी में रिलीज होगी, क्योंकि मैंने समझ गया था 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ निकल के आ गई थी कि अब ये डिले होने वाली है, पर कहीं ना कहीं ऑफिशियल न्यूज़ कहीं भी निकल नहीं आई थी। तो मैंने सोचा चलो आज के दिन में इसको जो इतनी इसकी जो हाइप है, मैं इसको तेलुगु वर्जन भी देख लूंगा, क्योंकि मैं स्टारडम मतलब कि पवन कल्याण सर का काफी अच्छा बड़ा फैन हूं। तो मैं सोचा इसको तेलुगु वर्जन में ही देख लूं। मैं जाके थिएटर्स पे मैंने सर्च किया, बुक माय शो पे सर्च किया, तो मेरे स्टेट में फिलहाल तेलुगु वर्जन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सब टाइटल्स को बात ही छोड़िए, जब तेलुगु वर्जन ही नहीं है तो आपके स्टेट में ये मतलब कि अवेलेबल है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब करता हूँ भीमला नायक की हिंदी जो थिएटर है कब तक होगी रिलीज। तो मैं आप लोग बता दूँ, इसकी जो डबिंग है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, साथ में निकल के आई है संकेत मात्रे एज राणा, और जो मतलब कि बाबरिया है ना वो प्ले कर, वो जो वॉइस ओवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पवन कल्याण सर की। तो ये जो डबिंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और फिल्म मेकर से मुझे समझ नहीं आता, ये जब किसी डेट को कमिटमेंट कर देते हैं तो ये अब तक उस तक जो काम है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर भी जो निकल के आई है वो डबिंग पूरा नहीं हुई है। तो अब ये फिल्म हमें 4 मार्च को शायद जून के साथ में क्लैश करते हुए नजर आ जाएगी अमिताभ बच्चन के साथ में, और जो इसकी ओटीटी राइट्स है ना उससे इतनी बड़ी अमाउंट में खरीदी गई है कि आप सोच कर भी एक बार ना मतलब कि हिल जाओगे। इसकी जो ओटीटी राइट्स है उसे हॉटस्टार ने सोल्ड आउट यानी खरीद लिया है, सॉरी, उसके बाद में इसको 70 करोड़ में से जिसको ओटीटी राइट्स है उसे खरीदा हॉटस्टार ने। आप लोग सोचिए यार, जो इसकी ओटीटी राइट्स है वो इतने पे बनी हुई है, और ये में देख ही लेंगे तो शायद, मुझे तो ये भी लगता है कि जब इसकी इतनी अच्छी स्टारडम हो जाएगी ना, और इतनी जितने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि इस फिल्म के रिव्यू दीजिए, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि इसकी रीमेक फिर बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों मैच नहीं करने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है ओटीटी राइट्स की जो है कितने में बिकी है, ये सही है वैल्यू मतलब कि जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं, बाकी आपको जो भी भीमला नायक के बारे में लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।